हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, गाड़ी जो है मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे फर्स्ट पेड सर्विस के लिए आ चुकी है और गाड़ी का सैनिटाइजेशन पूरा हो चुका है। अब गाड़ी की वीडियोग्राफी जो है कंपनी की तरफ से जो होती है चेक करने के लिए कि गाड़ी में कहीं स्क्रैच या डेंट पेंट वगैरह तो नहीं है, वो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद गाड़ी रेडी है नीचे जाने के लिए सर्विस सेंटर पे, जहाँ पे गाड़ी का रिमेनिंग जो प्रोसेस है सर्विसिंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी जो है अपने सर्विस पॉइंट पे आ चुकी है और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इस सर्विस सेंटर का, जिन्होंने मुझे अलाउ किया वीडियोग्राफी करने के लिए। और अब आप देखेंगे कि गाड़ी का ये काम स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। गाड़ी की सर्विसिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, दो टेक्नीशियन गाड़ी पे वर्क कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले व्हील सर्विस स्टार्ट की है गाड़ी की। तो ये व्हील सर्विस अभी हो गई, इन्होंने पूरे चारों टायरों को अच्छे से खोल करके और ये देख रहे हैं आपकी किस तरह से ड्रॉपिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट करके ये सर्विसिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं एयर फिल्टर खुला है, यहाँ से खोल करके रख दिया है, वो डीजल फिल्टर खोल रहे हैं वहाँ से। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एयर फिल्टर खोला है वो किस तरह का निकला है। ये एयर फिल्टर है गाड़ी का, देख रहे हैं आपकी ख़राब हो चुका है, ये पूरा चेंज होगा। और अब जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का ऑयल फिल्टर खोलने के लिए भाई गए हमारे, ये ऑयल फिल्टर है गाड़ी का। अब इसको खोल के बताता हूँ कि अंदर से कैसा होता है। ये जो है ऑयल फिल्टर है, अभी खोला है हमने, इसके बाद ये नया चेंज करके लगा रहे हैं ऑयल फिल्टर। ये जो देख रहे हैं आप, ये गाड़ी के वाइपर, इस ये जो ब्लू वाला है इसके अंदर वाइपर का पानी जाता है, इसमें आप शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। ये गाड़ी का डीजल फिल्टर खुल रहा है, ये है गाड़ी का डीजल फिल्टर, जो कि आप देख रहे हैं कि वो उस तरफ लगेगा सामने। डीजल फिल्टर गाड़ी का खुल चुका है। ये जो है गाड़ी का एसी फिल्टर है, एसी की लगता है बहुत ही लोकल चल रहा है ये, एक्चुअली मारुति का थोड़ा ठीक है, ये नया वाला है, ये एसी के उसमें लगेगा। इसमें आपको कूलिंग के अंदर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, इसको भी आपको चेंज कराते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ये अब हमारा फिट हो चुका है एसी का फिल्टर। ये जो डीजल फिल्टर खोला है उन्होंने, उसके अंदर से उसको खोलने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म बना रखा है, जिसके थ्रू खोल करके अब ये इसे नया फिट करेंगे। ये जो ब्लैक कलर का टैंक है ये इंजन ऑयल का टैंक होता है और ये अब यहाँ से इंजन ऑयल निकालने वाले हैं। ये है इस गाड़ी का इंजन ऑयल। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से कूलेंट टपक रहा है, कूलेंट टप को हमने खाली करा है, ये भाई यहाँ से कूलेंट निकाल रहे हैं गाड़ी का। अब जो है गाड़ी का बुशिंग चेक करने का टाइम आ गया है, ये गाड़ी की बुशिंग चेक करेंगे, चारों टायर पे जो बुशिंग रहती है गाड़ी की उसको चेक करके, और अगर चेंज करने के लिए होगा तो फिर उसे चेंज किया जाएगा, और नहीं वैसे तो नहीं चेंज होता है, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होती है, पर फिर भी हर सर्विस अगर सर्विस पर ही चेक करते हैं तो ये अच्छी बात है बहुत। और ये अब गाड़ी के अंदर कूलेंट चेंज कर रहे हैं ये लोग, ये यहाँ पे व्हील सर्विस के अंदर ब्रेक शूज़ वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं। इसको एक बार एमडी पेपर से हल्का सा रब करके और फिर से फिट कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी ये घिसते नहीं है। ये यहाँ पे गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग चल रही है, इसके बाद में गाड़ी अलाइनमेंट के लिए जाएगी।
गाड़ी का सर्विसिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब गाड़ी व्हील अलाइनमेंट के लिए आ चुकी है। इसके बाद बस गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिशिंग वगैरह का काम लास्ट रहता है। इसके बाद में गाड़ी मुझे हैंडओवर हो जाएगी और थैंक्स टू मारुति सर्विस सेंटर जिन्होंने मुझे अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए। और ये आपने ऑथराइज सर्विस सेंटर के अंदर का वीडियो देखा है जो कि यूट्यूब पे मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ये वीडियो होगा। और थैंक्स अगेन टू मारुति सुजुकी। और अभी गाड़ी आ चुकी है वॉशिंग के लिए मेरी। थैंक्स गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।